मुनावर मिल्टपैथ और वो मोटा मोटल। इस हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ कि उस शो के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए। भाई थारा भाई जोगिंदर रोस्ट, अरे क्या मैंने देखा नहीं अभी तक, और अच्छा है रोस्ट किया तो मस्त है, मेरे को देखना मतलब इंटरेस्टिंग होगा कुछ ऐसा। देखो गाइस मेरे को इस इंडस्ट्री में कोई भी रोस्ट करे या किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी बंदा रोस्ट करे, इस चीज से बुरा आप लोग मत मानना बिल्कुल, ठीक है, टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली नो मैटर व्हाट, ओके, ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए नो मैटर व्हाट। अरे पता नहीं कोई तो बोला रोस्ट किया, मेरे को मालूम नहीं है किया है कि नहीं, ऐसा होगा नहीं, मोटा मोटल बोला बस। अच्छा मोटा मोटल, हम मोटे ही हैं भाई वैसे। फक बॉडी शेम नहीं बोलते इसको, कम ऑन प्लीज, ऐसा मत वो हो, मेरे को चलेगा बोलेंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है रे, चिल। ये पूरा बौखला गया है, ये इसको कुछ आइडिया नहीं है। अब ये ट्राई कर रहा है, जैसे इसने पहले ट्राई किया फार्मिंग वाली चीज को लेके, सेकेंड चीज ट्राई किया इसने अभी रिलीजियस फैक्टर बनाने के लिए। पूरी वीडियो में क्लीन है वो बीफ वेलिंगटन जो है, वो चीज सामने वाला बंदा खा रहा है। अब सामने वाले बंदे अगर कुछ खा रहे हैं, अब मैं उनको थोड़ी रोक दूंगा तू मत खाओ मेरे सामने। और मैं तो, और बाय द वे बीफ वेलिंगटन जो है वो ड्राई ड्राई डिश है अगर आप लोगों को नहीं पता है, और मैं जो खा रहा था प्रॉपर चिकन था ग्रेवी वाला, तो बहुत क्लीन है वो चीज़। और मेरी आवाज़ इन लोग को लग रहा था कि मैंने बोला है, बल्कि मेरी ऐसी आवाज़ दूसरा बंदा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये वही चीज़ है कि ये ट्राई कर रहा है चीज़ों को लेफ्ट राइट घुमाने का, पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया, रिलीजियस कार्ड खेल दिया। बस मैं वही बोलूँगा कि यार देखो पर्सनल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं कोई पर्सनल चीज़ ऐसी बतानी पड़ेगी जो तुम समझो, यार मैं नहीं चाहता हूँ उस फीस पे जाने के लिए, क्योंकि कैसा ना कि भाई शादीशुदा लोग हैं सब, हमें कुछ नहीं चाहिए फालतू के फैमिली के, समझो पागल हो गए, पागल हो गए। अरे देयर इज नो फकिंग प्रूफ ब्रो, सिर्फ बातें वाले सीन है। कल की स्ट्रीम में बस खाली का वीडियो को भी देखो, मेरे को बाकी कोई भी चीज़ की लॉजिकल नहीं लगी। मैं खुद हिंदू हूँ भाई, मैं मर जाऊँगा बट वो चीज़ नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। वो मैं गाय मेरी माता है, ये वाला चीज़ हम बचपन से करते हैं, हम पूजते हैं, तो वो चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी इसके सारे पॉइंट मेरे को लॉजिकलेस लगे, उसको रिप्लाई करने का सेंस ही नहीं। तुम ट्विटर पे जाओ, तुम्हें मिल जाएगा वीडियोस, वहाँ पे क्लियर दिखाया, दो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, ठीक है, एक वीडियो जो चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी पॉइंट में दूसरा वीडियो जो पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरे बंदे की स्टोरी से, तो मेरी आवाज़ उसका सेम करती है पर बंदा वो बोल रहा है, तो उस चीज़ में उन लोग ने एक क्लिप को यूज़ करके, डीफेक्ट नहीं है, दो अलग अलग क्लिप्स है, उसको एक क्लिप में करके हम लोग कर रहे हैं बकचोदी, और कुछ नहीं। Cut me out. Yeah, okay, sure. Some rice too. Let's see, I'm trying this one, okay? The rice. Boom. As you can see, this is my beef Wellington. Hello, everybody. Welcome to Juicy Stream. Over here at the hotel, ordering some drinks and some food. As you can see, this is my beef Wellington. That's Rolex and Aggie, still chewing his food. That's pretty awesome. Now we've got Scout, the OP god of India. He's going to be joining Soul Clan. Sharing both videos for fact check. ये चीज रिग्रेट करोगे आज से एक साल बाद, दो साल बाद, तुम दोनों रिग्रेट करोगे, भले ही तुम्हारे एक साल या दो साल बाद, दस साल बाद ये चीज सॉर्ट ना हो, तुम लोग कभी दोस्त ना बनो रिटर्न में, कभी दोस्त तुम्हारी दोस्ती वापस ना हो, बट तुम लोग तो भी ना रिग्रेट करोगे ये आज से एक साल बाद या दो साल बाद। कोई भी आके, नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं आके अगर बोले ना ये दोनों को कि भाई रोको महावीर स्काउट, ये लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग खुद से रियलाइज नहीं होगा कि तो हम दोनों जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। ऐसा मुझे लगता है कि जब तक खुद से रियलाइजेशन नहीं आएगा कि ठीक है रुक जाना चाहिए, आई डोंट थिंक रुकेंगे। मावी मैटर, टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो मजा नहीं आ रहा। हु डू यू सपोर्ट? आई डू नॉट सपोर्ट ये सब भाई। देखो बहसा बहसी तू तू मैं स्ट्रीमों पे हो जाती है, ये सब मैं नहीं सपोर्ट करता। अच्छा हुआ भाई जो हुआ, एटलीस्ट अब एसेटियल रिलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं होगी, एसेटियल का नाम ख़राब नहीं होगा। नहीं एसेटियल का नाम तो वैसे भी कभी ख़राब नहीं होगा, जब कोई कुछ ख़राब करना चाहता है तब ख़राब होता है ना, एसेटियल कभी किसी के लिए कुछ ख़राब नहीं करना चाहा। तू तू मैं हो जाती है, मेरी अमन की हो गई थी, मेरी रेगा की हो गई थी, बट ऐसे लेवल पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड मतलब तू तू मैं हो गई, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल दिया, वो सब भी ठीक है, मैं एक बार को मानता हूँ, ठीक है, वो आ जाता है उस चीज़ पे कि भाई आप इंसान हो इन दी एंड ये वो,
बट इन द एंड तो हम है ना इन्फ्लुएंसर, व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल वी आर सेटिंग इज द थिंग. अगर ऑडियंस मतलब अगर ऑडियंस के सामने मतलब ऐसा होता है ना कि लोग अपना पक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं लोगों के सामने, तो हम एस ए ट्वेल्व वालों को जो है ऑडियंस बना के रख लेते, दोनों अपनी अपनी बात कह लेते और हम जो है अपना वो सुना देते जजमेंट, वो ज़्यादा अच्छा होता ना. इंसान को वैलिडेशन ही तो चाहिए क्या कौन सही है कौन कौन गलत है, वो हम वैलिडेशन दे देते. दोनों ही गलत है मेरी नज़र में, तो दोनों गलत है. आप जब आप सामने वाले को मौका देते हो, जब आप सामने वाले को मौका देते हो ये सब सामने वालों के सामने ये सब बोलते हो, फिर सबके मुंह खुल जाते हैं. फिर हम ये सोचते हैं कि यार ऑडियंस इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है. जब मैटर ठंडा हो जाएगा तब फिर ऑडियंस बोलना शुरू करेगी. जब ऑडियंस बोलना शुरू करते फिर हम सर पकड़ के बैठते कि भाई ये आजकल ऑडियंस बहुत टॉक्सिक हो गई, बहुत ज़्यादा बोलने लग गई है. वहाँ हम गलत हो जाते क्योंकि शुरुआत में हम ही मौका दे देते वो चीज़ करने का, हम लोगों को मौका नहीं देना चाहिए. एसेट यूल शुड सैक मा भी. आई डोंट थिंक सैकिंग इज़ द राइट थिंग टू डू. सब लोग बहुत बहुत गलतियाँ करते हैं. सैकिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन. लड़ाई दोनों तरफ से हो रही है. सैकिंग इज नॉट द राइट थिंग. मुझे लगता है कि इस वक्त थेरेपी इज द की. समझ रहे हो, थेरेपी इज द की. इन सब के बाद मॉडल एंड जॉनी के लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है. ऑब्वियसली यार दे आर देयर बिकॉज दे हैव मेंटेन दैट थिंग ना. वो वाली चीज़ जो है मेंटेन करिए.